एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हैं, आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइस, आज आ चुके हैं स्टडी चैलेंज व्लॉग लेके। यो, तो क्या हाल है आपके, एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड आज का व्लॉग है, आपको पता ही चल गया होगा, द 13 आवर स्टडी चैलेंज। जी हाँ, सही सुना आपने, द 13 आवर स्टडी चैलेंज। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं ये स्टडी चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं। और बहुत क्रेजी स्टडी चैलेंज लिया हूँ, 13 आवर स्टडी चैलेंज एक दिन में, देखते हैं कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। और चलिए यार, देखते हैं, आप लोग भी बहुत क्रेज हो गए कि भाई मेरा स्टडी चैलेंज कंप्लीट होगा कि नहीं। तो वो जानने के लिए तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो लेट्स गो। सो गाइस, मैंने सोचा थोड़ा सा कॉफ़ी बना लिया जाए, क्योंकि यार मतलब मैं आज स्कूल नहीं गया, क्योंकि मेरा स्कूल था, क्योंकि मैंने इसलिए छुट्टी लिया क्योंकि मेरा सर दर्द बहुत कर रहा था एंड मुझे खांसी एंड बुखार हुआ है, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं गया। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो मैंने सोचा थोड़ा सर दर्द कर रहा है तो कॉफ़ी बना लेते हैं, एंड कॉफ़ी नहीं बनाया तो मेरा वाट लग जाएगा और मेरा स्टडी से फोकस हट जाएगा, और कॉफ़ी चाहिए। तो चलो लेट्स गो, लेट्स मेक टू द कॉफ़ी एंड लेट्स गो। चलो देखते हैं मैं कॉफ़ी कैसे बनाता हूँ। ये रही हमारी कॉफ़ी एंड चलो देखते हैं अब बनाते हैं। सो आई एम रिवाइजिंग द बायोलॉजी बिकॉज आई थिंक मैं सब भूल चुका हूँ यार। बोर्ड्स मतलब बोर्ड्स बहुत करीब आ चुके हैं और मैं साला सिलेबस भूल चुका हूँ। और या ये हमारी सुबह ऐसी हुई थी। सो यही हम स्टडी कर रहे हैं अभी। मोबाइल मेरा गिरा है, मैंने उठाया था। तो सीरियसली होके स्टडी की 13 आवर्स एंड बहुत मज़ा आया, सीरियसली गाइस। सो गाइस, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम दिन भर मोटिवेटेड प्रोडक्टिव होने के लिए क्या क्या करते हो। तो एक सिंपल सा जवाब है, सुबह जैसे ही आप उठते हो तो बोल देना थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग इन माय लाइफ एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी वन मोर डे एंड एक प्यारा सा 10 मिनट का मेडिटेशन। ये है मेरा सीक्रेट मोटिवेटेड एंड ऑल सब प्रोडक्टिव रहने का। लिटरली इतना सब कुछ पढ़ लिया है ना, जैसे कि लग रहा है यार हम ही बायोलॉजिस्ट बन गए हैं आज तो। मतलब इतना मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, लग ही नहीं रहा कि भाई चैप्टर छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है आज पूरा कंप्लीट कर दूँ। एंड क्या बोला तूने, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने आज क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो गाइज यार आज हमने पढ़ा ह्यूमन हेल्थ एंड वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ह्यूमन हेल्थ के दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। जो कि डायग्नोस होता है ये आपको सबको पता होगा, डायग्नोस मतलब कोई भी बीमारी या कोई भी वायरल इन्फेक्शन की फाइंड आउट करना कि ये कौन सी बीमारी है। उसके बाद ट्रीटमेंट, उसके बाद वो बीमारी की ट्रीटमेंट की जाती है, दवाई दी जाती है। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस रहते हैं, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। उसके बाद हम लोगों ने वैक्सीन का काम क्या आता है, कैसे पुराने ज़माने में हम वैक्सीन को यूज़ करके वायरसेस को किल करते थे, और कैसे आज के दिन में साइंटिस्टों ने सेफ वैक्सीन बना के वायरसेस को किल किया, नाउअडेज एंड ओल्ड डेज। सो गाइस, आज खाने में है आलू की सब्जी एंड पराठा, एंड इसको हम लोग बोलते हैं, मेरे घर में तो इसको मुरई बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, तो प्लीज़ जिसको भी इंग्लिश में इसको नाम पता होगा प्लीज़ बता देना, मुझे जानना है। ठीक है, एंड शायद से इसको मराठी में आई थिंक जो
मुंबई में मराठी में बोलते हैं मुल्ली मुल्ली, आई थिंक सो मुल्ली कुछ तो भी बोलते हैं, आई डोंट नो। सो गाइस ब्रेक टाइम खत्म हो चुका है, चलिए एक घंटे के ब्रेक के लेने के बाद मेरा माइंड पूरा फ्रेश है अब स्टडी करने के लिए फिर से। गाइस जानते हैं मैंने गॉड को थैंक यू और बोलने के लिए क्यों बोला और मेडिटेशन करने के लिए क्यों बोला, वजह क्या है। वीडियो के शुरुआत में मैंने कुछ बोला था आपको याद होगा तो सबसे पहले गॉड को थैंक यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए ज़िंदगी में आप ही नहीं हो कि आपके पास ही प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत लोगों के पास प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे भी बड़े प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि जो वो प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं तो गॉड को ब्लेम करते हैं कि गॉड ये क्या है, मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों दिया। बट उसके जगह आप बोलोगे थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस प्रॉब्लम, तो गॉड बोलेगा यार इस बंदे को मैंने भेज के दुनिया में बहुत अच्छी की बात की। अब आप क्यों प्रॉब्लम को थैंक यू बोलोगे, क्योंकि प्रॉब्लम से आपको एक्सपीरियंस मिलता है गाइस। एक्सपीरियंस जैसे ही गेन करोगे उतना ही आप एक्सपीरियंस बंदे होते जाओगे या बंदी होते जाओगे, ठीक है। तो गॉड को रोज थैंक यू बोलो कि आपने एक मुझे लाइफ दिया उसमें मेरे को प्रॉब्लम्स दिए, थैंक यू टू गिविंग माई मॉम डैड, थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू टू दिस वर्ल्ड, एवरी सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो जो चीज़ आपको गॉड दे रहे हैं। और मेडिटेशन आपके ब्रेन को शार्प करने के लिए एंड ब्रेन को सही चलाने के लिए मैंने बोला, तो आई होप आप मेडिटेशन और रोज़ डेली 10 मिनट मेडिटेशन करके आप एक बार गॉड को थैंक यू ज़रूर बोलना करके देखो, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी, बहुत अच्छा लगेगा सीरियसली। सो हे गाइस एंड चलो अब मैं बैग पकड़ लिया हूँ तो मेरे क्लासेस का टाइम आ चुका है, ठीक है। 4 बजने में 4 मिनट बाकी है, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ ट्यूब क्लासेस के लिए और मैं आऊँगा 6:30 को, ठीक है, 6:30 के आसपास आ जाऊँगा, ठीक है। देन फिर ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी तो मैं जा रहा हूँ क्लासेस को, चले मुझे लेट हो रहा है, बाय बाय टाटा पीस। 7:07 केमिस्ट्री हमें करना था, ठीक है, तो हम जा रहे हैं केमिस्ट्री करने, ठीक है, तो चलिए जाते हैं। गाइस ये वीडियो का लास्ट स्टडी सेशन है जो कि केमिस्ट्री में अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एंड वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया मुझे, बट बहुत मेहनत लगी है एडिटिंग करने में, 7 आवर्स की एडिटिंग की है मैंने, तब जाके ये एडिटिंग कंप्लीट हुई है। यू कांट बिलीव दैट बट यस, 7 आवर्स की एडिटिंग की कमाल आप ये वीडियो पे देख सकते हो। सो अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आपने ये किया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि सारा मेहनत वर्थ जा रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। Thank you.